मेरे चैनल पर। सो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि अगला वीडियो आएगा पोलन ग्रेन्स का एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को लेकर। सो आज मैं हाजिर हूँ उस टॉपिक को टच करने के लिए। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एनपीसी क्लासिफिकेशंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। 1969 में गुनर अर्डमैन ने एनपीसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट प्रपोज्ड किया एंड ये थे एक स्वीडिस्ट बॉटनिस्ट। इस क्लासिफिकेशंस को किया गया पोलन के ऊपर जो अपर्चर्स है उस अपर्चर्स का नंबर्स पोजीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके। सो इसीलिए इस क्लासिफिकेशंस का नाम दिया गया है एनपीसी क्लासिफिकेशंस, यानी कि नंबर पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अपर्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन। सो इसका मतलब है कि एक पोलन पर कितने अपर्चर्स हैं, वो कहाँ पर है, पोलन के प्रॉक्सिमल पोल पर, डिस्टल पोल पर, ग्लोबल पोजीशंस पर और जोनल पोजीशंस पर कौन से पोजीशन है उनका, एंड उन अपर्चर्स कैसे दिखते हैं, यानी कि उनका कैरेक्टर्स वो कैसे है, सर्कुलर है, इलोंगेटेड है या कुछ और। सो इसी के ऊपर डिपेंड करके ये क्लासिफिकेशन किया गया है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पोलन का पोलरिटी के बारे में नहीं पता है, यानी कि पोलन का कौन सा साइड प्रॉक्सिमल पोल है, कौन सा साइड डिस्टल पोल है, तो ज़रूर वो पहले जान लीजिए मेरे पिछले वीडियो को देखकर। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वरना मैं इस वीडियो में जो बोलूँगा वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो पहले वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इजी है समझने की कोशिश करना, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स से पूछना मेरे से, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। सो फास्ट ऑफ ऑल मैं नंबर्स को लेकर डिस्कस करूंगा। सो नंबर्स के बेसिस पर पोलन नंबर ग्रुप्स जो है वो 9 टाइप्स के होते हैं, और ये सारे टाइप्स बिल्कुल आपके सामने हैं। N0, N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अभी मैं इन सारे ग्रुप्स को डिस्कस करने वाला हूँ, N0 से लेकर N8 तक। जब एक पोलन ग्रेन्स में कोई भी अपर्चर्स नहीं होता है, अपर्चर्स बिल्कुल एब्सेंट होता है, तब हम उस पोलन ग्रेन को कहेंगे एट्रिम एंड उसको हम डिजिग्नेट करेंगे N0 देकर। पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि ये हम नंबर ग्रुप्स कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पोलन ग्रेन्स पर अपर्चर्स का नंबर कितना है। सो जब कोई भी अपर्चर्स नहीं होता तो उसको तो हम कहेंगे एट्रिम, और उस पर जब एक ओनली सिंगल अपर्चर्स होगा उसको हम कहेंगे मोनोट्रिम और N1। सो अभी इस वक्त पोजीशन के बारे में बिल्कुल मत सोचना, सिर्फ अपर्चर्स के नंबर के बारे में सोचो। यहाँ पर मैंने बोला कि पोलन ग्रेन पर सिर्फ एक अपर्चर है, वो कहाँ है, प्रॉक्सिमल पोल है, डिस्टल पोल है, कहाँ पर है, ये जानने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। सिर्फ जान लो कि एक अपर्चर्स होने का मतलब है उसको हम कहेंगे मोनोट्रिम और N1। सो इसी तरह अगर पोलन ग्रेन्स में 2 अपर्चर्स है सो उसे हम कहेंगे डाइट्रिम और N2। अगर 3 अपर्चर्स है तो उसे हम कहेंगे ट्राइट्रिम और N3। 4 होंगे तो टेट्राट्रिम, 5 होंगे तो पेंटाट्रिम एंड 6 अपर्चर्स है तो उसे हम कहेंगे हेक्साट्रिम और N6। बस यही पर स्टॉप हो जाइए, क्योंकि अगर अपर्चर्स का नंबर्स 6 और 6 से ज़्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे पॉलीट्रिम, जिसको डिजिग्नेट किया जाता है N7 को देकर। हाँ, अभी आप तो सोच रहे होंगे कि सभी नंबर्स तो इसमें ही आ गया, सो N8 और एनमोट्रिम में क्या बाकी रह गया। देखिए, अब तक तो आप नंबर्स को गिन सकते थे, लेकिन अगर पोलन के सरफेस पर इरेस्पेक्टिव नंबर्स का बहुत सारा अपर्चर्स हो और वो स्पाइरली अरेंज्ड हो, स्पाइरली इरेगुलरली अरेंज्ड अपर्चर्स हो पोलन के सरफेस पर, सो उसे हम कहेंगे एनमोट्रिम और N8। यही पर हो गया नंबर्स ग्रुप। अब हम आएंगे पोजीशन के ऊपर, अपर्चर्स के पोजीशन। पोलन के सरफेस के ऊपर अपर्चर्स कहाँ पर है इसके ऊपर डिपेंड करके पोलन ग्रेन्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, P0 से लेकर P6 तक। अगर पोलन पे कोई भी अपर्चर्स नहीं हो तो हम उसे P0 बोलेंगे। अगर पोलन ग्रेन्स का अपर्चर प्रॉक्सिमल फेस पर है तो हम उसे बोलेंगे कैटाट्रिम और P1। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपर्चर्स के पोजीशन देखेंगे, वो कहाँ पर है, हम ये नहीं देखेंगे कितने सारे अपर्चर्स हैं, उनका नंबर क्या है। सो कैटाट्रिम यानी कि
अपर्चर सिर्फ प्रॉक्सिमल फेस पर ही है, लेकिन वहाँ पर कितने सारे अपर्चर्स हैं ये अभी हम लोग नहीं सोचेंगे। अगर अपर्चर पोलन के डिस्टल फेस पर है और डिस्टल पोल पर है तो उसे हम कहेंगे एनाट्रिम और P3। हाँ, P1 के बाद आया P3, उसके बाद हम आएंगे P2 पर। जब पोलन के दोनों साइड यानी कि प्रॉक्सिमल पोल एंड डिस्टल पोल दोनों तरफ ही अपर्चर्स होंगे तो उसे हम बोलेंगे P2 यानी कि एनाकैटाट्रिम। जब सिर्फ प्रॉक्सिमल पोल पर अपर्चर्स था तो उसे हम बोले थे कैटाट्रिम, जब डिस्टल पोल पर था तो उसे हम बोले थे एनाट्रिम। अभी जब दोनों तरफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दोनों तरफ ही अपर्चर्स होंगे सो उसे ही हम कहेंगे एनाट्रिम, इसीलिए इसको P2 दिया गया है और एनाट्रिम को P3 दिया गया था। शायद आपको समझ में आ गया है, सो इसीलिए हमको पहले P1 फिर P3 और उसके बाद P2 को बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आएंगे P4 और जोनोट्रिम पर। अगर अपर्चर्स इक्विटोरियल जोन पर होंगे, इक्विटोरियल लेवल पर, सो उसे हम बोलेंगे जोनोट्रिम। लेकिन अगर इक्विटोरियल रीजन पर अपर्चर्स के दो रो होंगे तो उसे हम कहेंगे डाइजोनोट्रिम, जबकि जोनोट्रिम पर इक्विटोरियल रीजन्स पर ही अपर्चर्स थे लेकिन वो सिर्फ था एक ही रो पर, और डाइजोनोट्रिम पर दो रो पर अपर्चर्स हमको दिखेंगे। सबसे आखिर में आता है पैंटोट्रिम और P6। अगर पोलन के सरफेस पर कोई निर्दिष्ट जगह पर नहीं, पूरा का पूरा सरफेस पर ही अपर्चर से घिरा हुआ हो, बहुत सारा अपर्चर्स हो पूरे पोलन के सरफेस पर, तो उसे हम कहेंगे पैंटोट्रिम और P6। सो ये हो गया अपर्चर्स का पोजीशन। अब हम आएंगे अपर्चर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके हिसाब से, मतलब कि अपर्चर्स के कैरेक्टर्स के हिसाब से 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है पोलन ग्रेन्स को, बिल्कुल C0 से लेकर C6 तक। सारे ग्रुप्स आपके सामने ही हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हो। सो पहले हम आएंगे C0 पर। अगर कोई पोलन ग्रेन्स पर अपर्चर्स नहीं है और अपर्चर्स का जो कैरेक्टर है वो अननोन है सो उसे हम कहेंगे C0। अगर पोलन पर ऐसी अपर्चर्स हो जिसके जगह पर जो पोलन का हिस्सा है वो बहुत ही पतला हो, थीन हो, यानी कि बहुत ही डेलिकेट, सो उसे हम टेक्निकल टर्म में कहेंगे लेप्टोमा एंड डेजिग्नेट करेंगे C1 देकर। ठीक ऐसे ही अगर पोलन पर सिर्फ 1 लेप्टोमा है सो उसे हम बोलेंगे मोनोलेप्ट, एंड वही लेप्टोमा अगर प्रॉक्सिमल फेस पर होगा तो उसे हम कहेंगे कैटालेप्ट, और एंड वही अगर डिस्टल फेस पर होगा सो उसे हम बोलेंगे एनालेप्ट। सो कैटालेप्ट एंड एनालेप्ट। सो नेक्स्ट हम आएंगे ट्राइकोटो मोनोकॉल्पेट। सो ट्राई का मतलब है 3। सो अगर पोलन पर 3 स्लिट जैसा बहुत ही पतला कॉल्पस होंगे सो उसे हम बोलेंगे ट्राइकोटो मोनोकॉल्पेट। सो अभी हम लोग आएंगे C3 और कॉल्पेट पर। अगर एक पोलन पर जो अपर्चर्स है वो एक कॉल्पा और फ्यूरो है सो उसे हम बोलेंगे कॉल्पेट। अभी आप एक पतला गड्ढा तो देखा ही है ना, सो एक फ्यूरो और कॉल्पा भी ठीक वैसा ही होता है। नेक्स्ट हम आएंगे पोरेट पर और C4। अगर एक पोर अपर्चर्स की तरह काम करेगा सो उसे हम बोलेंगे पोरेट। पोर से ही इसका नाम दिया गया है पोरेट। ठीक इससे पहले मैंने बोला कॉल्पेट, जहाँ पर अपर्चर्स एक कॉल्पा है, और उसके बाद में बोला पोरेट, जहाँ पर अपर्चर्स एक पोर है। अब हम अगले पर आएंगे C5 और कॉल्पोरेट, जहाँ पर जो अपर्चर्स है वो कॉल्पा और पोर दोनों ही है। सो बहुत ही सिंपल मामला है, अगर कॉल्पा एंड पोर दोनों टाइप के अपर्चर्स ही रहेंगे एक पोलन पर सो उसे हम बोलेंगे कॉल्पोरेट और C5। नेक्स्ट सबसे आखिर में आया है पोरोरेट और C6। अगर एक पोलन पर पोर एंड ओरा दोनों टाइप के अपर्चर्स ही रहेंगे सो उसे हम कहेंगे पोरोरेट और C6। सो यही पर हो गया पोलन का कैरेक्टर्स ग्रुप। बस इतना ही था पोलन का NPC क्लासिफिकेशंस। एक ही पिक्चर में मैंने इन अब तक मैंने जो जो बोला है सो वो सब कुछ इस पिक्चर में है। इस पिक्चर को ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन ये वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना नए नोटिफिकेशंस के लिए। एंड आखिर में इस वीडियो में NPC क्लासिफिकेशंस को लेकर अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है सो कमेंट बॉक्स से ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर दूंगा।
सो फ्रेंड्स बी हेल्दी स्टे हैप्पी बाय।